तो मन ने काम करू का मन ने काम नहीं करे। अभी ऑपरेटर वाले मन हमला माला पहना एक पहली पहना के नहीं था नहीं पहना चाहिए ऑपरेटर रही संख्या बात रही लेकिन दुनिया में ये ऑपरेटर मन ही है जो 12 महीना काम करे और कर्मचारी 9 महीना पहला चाहिए। हम ये बात ना रखें कैबिनेट सब कमेटी में ये बात ना रखें सब अधिकारी के पास ये बात ना रखें और फिर भी नहीं हुई तो हम भूपेन बघेल जी हम मुख्यमंत्री से बोले कि आप मुख्यमंत्री जी ये कर्मचारी मन की चिंता करना जरूरी है मानना के लिए कोई निर्णय लो। आज देखो आज हमारे 12 महीने के कर्मचारी हो गए मुख्यमंत्री के हम भूपेन बघेल जी के एक घोषणा के 12 महीना कर्मचारी और मुख्यमंत्री जी के का आदेश है कि जैन कर्मचारी का भी भर्ती होना है तो हमारे 20 साल 25 साल 15 साल 10 साल के लिए देश में मन हमारे काम करा थे हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में हमारे वो कर्मचारी मन जैन क्लर्क के रूप में सेल्समैन के रूप में ऑपरेटर के रूप में काम करा थे। रेगुलर जब हम करें कभी नियुक्ति देख काम करा तो 50% कर्मचारी हमारे घर मन से ले रहे बाहर से हमें बात बोला पहले हमें 50% बिहार के करें तो ये निर्णय कौन कर सका थे जिन आपके दुख में दुखी हो जिन आपके तकलीफ में समझे वही आदमी ये निर्णय कर सका थे ये बात हमारे सब लोग समझना है। अब आ जाते बैंक खोले के बाद आ जाते हमारा प्रमोद भाई तो सबसे पहले बैंक के अध्यक्ष है वही बोला कि भाई बैंक खोल रहा है हमारे एक से पहले कवर जी बोला थे और हमारा पूरा हमारा मुखिया जिला कांग्रेस के कोरबा जिला के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ये मंच में खड़े होकर के बोला थे कि हाँ जरूरत है हर हालत में खोलने के लिए तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक ब्रांच हम रामपुर में जिन ब्रांच है वास्तव में वहाँ जरूरत है वहाँ लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरत अभी करतला में लगा रही है। करतला ब्लाक है ब्लाक हेड क्वार्टर है करतला यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है टोटल हमारे वनवासी रहते तो वहाँ पर हमारे कोरबा जिला में पहला अगर ब्रांच हम खोला था तो करतला में खोलबो ये बात मैं अपना आश्वस्त कर सकता था और ये कार्यवाही हम तत्काल कर दें लेकिन आपने ये भी बता दो कि हम नियम बदल के 6 महीना हो गए पहले तो हमारे कमेटी रही रायपुर में बैठ करके हम ब्रांच की घोषणा कर देते हैं अनुमति दे देते हैं हम नियम बदल गए 6 महीने से अब निर्णय आ गए है कि जब तक रिजर्व बैंक अनुमति मिलती है तब तक की कोई बैंक नहीं खोले जा सकते लेकिन एक हम मांग डिजाइन है करतला में खोलना बहुत जरूरी है हम अपन कमेटी से प्रस्ताव करके हम प्रयास कर दो कि हम ब्रांच खोले और खुल ही मैं हूँ आश्वस्त कर रहा हूँ करतला में अभी थोड़ा समय लगता है लेकिन अगले धान खरीदी के पहले यहाँ ब्रांच खुल जा रही थी ये मैं आपने बोलता हूँ। अब तकलीफ होते किसान मन में बहुत सा हमारे कर्मचारी मन में भी मैं कहना चाहता था कि केवल थोड़ा सा ज्ञान वृद्ध करके हमारे माइक्रो एटीएम के उपयोग नहीं करा मैं आपको बताता हूँ रायगढ़ जंगल क्षेत्र रायगढ़ जिला के हर सोसाइटी में माइक्रो एटीएम से 10,000 रुपये तक के यहाँ होते प्रमोद भाई 10,000 रुपये तक का पेमेंट तो यहाँ से भी माइक्रो एटीएम से भी होना चाहिए और माइक्रो एटीएम भी अभी हमें नया लगा था वो नया लगा कर सीधा आप अंगूठा लगाओ रुपया बताओ इतना पेमेंट डालना 10,000 रुपये आपके समिति से मिल जाए अब आप 10,000 निकालना पड़ फिर 10,000 निकालने पड़ते फिर 10,000 निकालिए आपको 40-50 किलोमीटर दूर आने की जरूरत नहीं है ये व्यवस्था है लेकिन हमारे कर्मचारी भी कहीं कहीं पर नहीं दे रहे हैं तो इनको भी मैं अपेक्षा करूंगा कि देखो आपकी चिंता हम लोग कर रहे हैं
यही किसानों की चिंता आपको भी करना चाहिए और आप लोग करिए। और ये हमारे जो अधिकारी हैं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये देखें कि माइक्रो एटीएम का उपयोग बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो जनप्रतिनिधि जा रहे हैं वो भी देखें कि माइक्रो एटीएम का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीज सहकारिता के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन। जब भूपेंद्र बघेल जी ने गोधन योजना लागू किया गोबर खरीदने का, जब लागू किया तो बहुत से लोगों ने क्या कहा कि भूपेंद्र बघेल के पास कोई काम नहीं है।